ये थोड़ा सा डार्क पॉडकास्ट होने वाला है. अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल स्टूडेंट भी हो सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हो, बेसिकली अगर आप 22 इयर्स के अंडर हो तो ये पॉडकास्ट है आपके लिए. मैं 27 साल का हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, यूट्यूबर हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ अपने करियर में, बहुत कुछ करना है. मैंने सिर्फ मेरे लाइफ का 1% अब तक हासिल किया और बहुत कुछ फाड़ के रखूँगा, आई नो इट. ये कॉन्फिडेंस मेरे दिल में है मेरी मम्मी की वजह से. आपकी लाइफ की दूसरी मम्मी और आपके लाइफ के दूसरे पप्पा है आपके टीचर्स. अपने लाइफ में जो भी हासिल किया अब तक, आपके टीचर्स का, आपके गुरुज का उसमें हाथ रहता है, उसमें एक रोल रहता है. स्पेशली जब आप माइंडसेट की बात करोगे ना, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाया, तीर चलाना ही नहीं सिखाया, कैसे सोचते हैं, जिंदगी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, वो आप अपने टीचर से सीखोगे. फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैं एक स्कूल में था जिसका नाम था डॉन बॉस्को. वहाँ हमारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती थी. फिफ्थ स्टैंडर्ड में मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया बॉम्बे के सबसे अच्छे स्कूल में जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल. 2003 में श्री नीता अंबानी जी ने इस स्कूल की शुरुआत की थी और फॉर्चुनेटली मैं उस स्कूल के पहले बैच का हिस्सा था. कई सारे लोग कहेंगे, अरे तू इतना प्रिविलेज्ड है, इतने अमीरों के स्कूल में गया. मैंने बचपन में भी मुश्किल वक्त देखे हैं, थिंग्स वर्न्ट ऑलवेज लाइक दिस. पर खैर वो सब चीज़ें छोड़ दो, स्कूलिंग एडुकेशन की बात करेंगे. जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं मेरा यूट्यूब करियर चलाता हूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ, जो माइंडसेट है मेरा, जिस तरह से हम इस पॉडकास्ट में इतनी सारी चीज़ें एनालाइज करके आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों का रीज़न है धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल. जिस तरह की टीचिंग मुझे उस स्कूल में मिली, मैं ज़िंदगी भर ग्रेटफुल रहूँगा उस टीचिंग के लिए. कहते हैं कि नीता अंबानी जी ने उस स्कूल में जितने भी टीचर्स को हायर किया, एक बहुत गहरे इंटरव्यू प्रोसेस के बाद हायर किया. शी मेड श्योर दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन इंडिया. जो इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स थे वो थे कहाँ, DAIS में. और सबसे बेस्ट टीचर्स ना सिर्फ आपको टेक्निक नहीं सिखाते, सबसे बेस्ट टीचर्स आपको सोचना, आपको मेंटली फिट रहना और आपको एनालाइज करना भी सिखाते हैं, अनविक्षिकी सिखाते हैं. मेरे लाइफ के अभी के गुरु डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले मेरे मेंटर हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मेरे बिजनेस गुरु हैं, मेरे लाइफ गुरु. उन्होंने मुझे अनविक्षिकी का महत्व समझाया. अनविक्षिकी क्या होती है? हमारे पुराने एडुकेशन सिस्टम में, यानी यूरोपियंस के आने से पहले वाले एडुकेशन सिस्टम में, पहले गुरुकुल्स हुए करते थे जहां बच्चों को गुरुकुल में सिखाया जाता था. गुरुकुल में आपका पहला सब्जेक्ट जूनियर केजी में क्या सिखाया जाता था? अनविक्षिकी. अनविक्षिकी का मतलब है किसी चीज को देख कर ये पूछना कि यार ये ऐसे क्यों बनाया गया, क्या मैं इसको और बेहतर कर सकता हूं, ये दुनिया में ये क्यों हो रहा है, क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ, ये दुखी क्यों है, इनके दुख का कारण क्या है, कारण के बारे में सोचना होती है अनविक्षिकी. और अनविक्षिकी सिर्फ एक इवॉल्व टीचर आपको सिखा पाएगी या पाएगा. वो हमें मिला था DAIS में. बहुत कुछ सीखा, जूडो के बारे में सीखा. जूडो पर एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट बना लिया, वो जाके देख लो, वो भी हिंदी का सोलो पॉडकास्ट. वो है मेरे सेंसाई कावस बिलमोरिया की बदौलत. उन्होंने मुझे जूडो भी सिखाया, लाइफ में मेंटली टफ कैसे रहते, कैसे सोचना चाहिए, लोगों का सम्मान कैसे करना चाहिए. अगर आपके पास शक्ति दी गई है, जूडो दिया गया है, मार्शल आर्ट्स दिया गया है, तो कैसे दूसरों की रक्षा करें, वो सब मैंने सीखा कावस बिलमोरिया से. उसी तरह जब मैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ता था, मैंने ये भी पढ़ा कि लाइफ में क्या गलतियाँ आप कर सकते हो. हिटलर ने क्या गलतियाँ की अपने खुद के सोच विचारों में, जिन देशों ने वॉर्स हारी है उन्होंने क्या क्या गलत किया, सोचना आप हिस्ट्री से सीख सकते हो. इस दुनिया में क्या क्या होता है आप ज्योग्राफी से सीख सकते हो. इस ब्रह्मांड के सीक्रेट्स क्या है आप मैथमेटिक्स से सीख सकते हो. और हर एक सब्जेक्ट को ऐसे देखना मैंने सीखा DAIS से. DAIS के बाद मैंने शुरुआत की स्टैंडर्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. 11th 12th मैंने स्टेट बोर्ड से किया और मुझे तब वो टीचिंग में डिफरेंस दिख गई और तब मैंने DAIS को वैल्यू करना स्टार्ट किया. खैर 11th 12th में मेरे ट्यूशन टीचर्स भी बहुत बढ़िया थे. एक प्रोफेसर थे, बहुत मशहूर मैथ्स के प्रोफेसर हैं मुंबई के, मिस्टर भेंगसरकर. जिस तरह से वो ट्रिग्नोमेट्री को देखते थे, मैथ्स को देखते थे, उन चीज़ों को मैं आज भी बिजनेस में यूज़ करता हूँ, कंटेंट में यूज़ करता हूँ, एडिटिंग में यूज़ करता हूँ.
ये होते हैं अच्छे टीचर के साइड इफेक्ट्स। वो शायद आपको एक या दो साल के लिए ही सिखाएंगे, पर जो चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी, और आप उनको अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में भी यूज़ करोगे। पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हम सभी को पता है, थोड़ी सी ट्विस्टेड जगह है, थोड़ी सी डार्क जगह है। ये भारत और भारतीय लोगों की गलती नहीं है, ये इम्पीरियलिज्म की गलती है, यानी कि यूरोपियंस की गलती है। उन्होंने एक चीज़ का इस्तेमाल किया इंडिया पर, एक हथियार का इस्तेमाल किया, उस हथियार का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब कुछ लोगों को लेकर उन्हें ये बताना कि यार आप इतने बुरे हो, आप इतने गंदे हो, आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हो, आप स्टूपिड हो, आप कुछ नहीं हो, हम आपसे ज़्यादा बेहतर हैं। पर उन लोगों को मनाए कैसे कि ये सब बातें सच हैं? उनके बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में चीज़ें डाल दो, उनके एडुकेशन सिस्टम को ख़राब कर दो, रोट लर्निंग पर, मगिंग अप पर, बाय हार्टिंग कहते हैं ना, किसी चीज़ को रट कर पेपर में थूक देना, रोट लर्निंग को फोरफ्रंट पर डालना, ये होता है एक सोशल इंजीनियरिंग वेपन। 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था, पर उनकी लेगेसी रह गई, उनकी ये मेंटालिटी कि यार इंडियंस आप लोग खराब हो, ये मेंटालिटी रह गई। उसी चीज़ की वजह से इंडिया ने बहुत मार खाई है 1990s तक, जब इकॉनमी खुल गई तब तक इंडिया मार खा रही थी, और उस मार खाने का रिजल्ट है कुछ ऐसे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा डैमेज है, जो खुद के बारे में, जो स्टेटस गेम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पता है आपका कोई वो रिश्तेदार है ना जो आपकी हमेशा बुराई करता है, वो एक टीचर या कॉलेज प्रोफेसर जो हमेशा आपका अपमान करता है, हमेशा आपका मजाक उड़ाता है, ये कोर थॉट क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कोर थॉट होती है स्टेटस गेम, किसी बच्चे को, किसी कमज़ोर इंसान को ये दिखाना कि यार आप खराब हो, मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ। ये है सोशल इंजीनियरिंग का रिजल्ट। यही यूरोपियंस चाहते थे कि एक बार इन लोगों की सोशल इंजीनियरिंग कर दी ना, फिर 100 सालों तक ये वहीं के वहीं रहेंगे। DIS में जिस तरह की टीचिंग हमें मिली, उसकी वजह से हमारी रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग हो गई, आन्वेक्षिकी बढ़ी। पर जनरली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आन्वेक्षिकी पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब एक बच्चा पूछता है कि यार मून ऐसे राउंड क्यों है, तो उसे उसका जवाब नहीं मिलता, लोग उस बच्चे को देखकर कहते हैं कि ये चुप रहे, तू स्टूपिड है, तू खराब है। बैड इफेक्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। मेरे 11वीं और 12वीं में मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग की एंट्रेंस देने वाला था, मैं एक ट्यूशन टीचर के यहाँ गया, ये वेंगसारकर सर नहीं थे, उनके अलावा एक फिजिक्स की ट्यूशन टीचर थी, लोग उनसे डरते थे। जब मेरी मम्मी ने उनकी फीस भरी तो मेरी मम्मी के फ्रेंड्स ने उनसे कहा कि यार इनके पास मत जाओ, ये बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम ख़राब कर देती है, सिर्फ उनके क्लास के जो टॉपर्स हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट करती है और बाकी बच्चों को डीमोटिवेट करती है, बाकी बच्चों का मजाक उड़ाती है। सोशल इंजीनियर्ड स्टेटस गेम। मेरी मम्मी ने उनकी बात नहीं सुनी और मैं गया वो क्लास के लिए। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, उस टीचर के क्लासेस में मैं एक स्मार्ट किड माना जाता था कि हाँ ये बच्चा स्मार्ट है, तो वो मेरे पर कभी नहीं पिक करती थी। पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिज़िक्स को विजुलाइज़ नहीं कर पाते। फिज़िक्स क्या होता है? मोशन की पढ़ाई होती है, हमारा ब्रह्मांड किस तरह से काम कर रहा है। अगर मैंने एक गेंद एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकी तो उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या होता है, वो होता है फिज़िक्स। लोग इस चीज़ को आसानी से समझ नहीं सकते। लोग कहते हैं ना, नेवर जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनको फिज़िक्स नहीं समझता था, ये टीचर उन बच्चों के नाम बोर्ड पर लिख देती थी और कहती थी हाँ ये 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 लिख के ले लो, जिंदगी में आप फेलियर बनोगे। ये क्या सीन है यार? उनके क्लासेस में मुझे मज़ा आता था क्योंकि मुझे फिजिक्स से प्यार था, मेरे दोस्तों की बेइज्जती देख के मुझे बुरा लगता था। एक दिन उन्होंने पता क्या किया, मुंबई के टॉप 2 या 3 कॉलेजेस के नाम लिखे और बोले कि अगर आपको ये कॉलेजेस में एंट्री मिल गई, एडमिशन मिल गई, तो आपका करियर सेट है, अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिली तो अभी से ये जानो कि आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में, बिल्कुल कुछ भी नहीं करोगे, आप भिखारी बन जाओगे। आप ऐसी चीज़ें 16 साल के बच्चों को बोल रहे हो? 16 साल के बच्चों के पास कुछ पर्सपेक्टिव ही नहीं होता। आजकल होता है अमन भैया की वजह से, अमन धत्तरवाल की वजह से, उन जैसे लोगों की वजह से, एडुकेशन यूट्यूब की वजह से,
ये 2010-2009 की बात है। आप 16 साल के बच्चों से बात करो और ऐसी चीज़ें कह रहे हो, उनके पास कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं होता। उनके पास अपना फ्रेंड्स का पर्सपेक्टिव होता है, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव होता है। उन्हें लगता है कि जो प्रोफेशनल दुनिया, जो रियल वर्ल्ड दुनिया, उनकी करियर की दुनिया किस चीज़ से डिफाइंड है, जो उनकी टीचर्स कहें उन चीज़ों से। तब मैंने देखा कि 11वीं 12वीं में लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे टूटता है, आत्मविश्वास कैसे टूटता है, उनकी सेल्फ बिलीफ पूरी तरह से चूर हो जाती। पर ठीक है, मैं फिजिक्स में अच्छा था, मैथ्स में अच्छा था, मुझे अच्छे मार्क्स आए 12th में, एडमिशन हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत मेहनत की थी 12th स्टैंडर्ड तक। इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर मैंने सोचा कि चल छोड़ यार, मुझे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जाकर भी मुझे ये पता चला कि यार ये कैसा एडुकेशन सिस्टम है, हमें फिर से रट्टा मारना है। मुझे लगा कि कॉलेज में आकर हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम दिमाग लगाकर आणविकी फिर से यूज़ करेंगे। इंजीनियरिंग यार, इंजीनियरिंग, पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी रट्टा मारना पड़ता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में ना, अगर आपने ये फैसला लिया कि आप इतना नहीं पढ़ोगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थक जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुँच कर, फिर सोचते कि यार ठीक है अभी मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा, अगर आपके प्रोफेसर्स ने ये चीज़ नोटिस करी, तो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स आपकी लाइफ एकदम ख़राब कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, उन बच्चों को टारगेट किया जाता है। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरी एक इंप्रेशन सेट हो गया कि हाँ ये ना, ये थोड़ा पार्टी वाला बच्चा है, ये पढ़ाई नहीं करता है जो भी। उसके बाद सेकेंड ईयर में आई पुल्ड अप माई सॉक्स, मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। रट्टा मारना है तो रट्टा मार लूँगा, पर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। पर क्योंकि वो कोई कोई प्रोफेसर्स को लगा ना कि हाँ यार ये ऐसा ही है, ये कुछ भी करता है, ये पढ़ाई नहीं करेगा, उन्होंने खुद की स्टेटस गेम वहाँ स्टार्ट करी। सेकेंड ईयर से लेकर एंड तक, एथ सेमेस्टर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर से एथ सेमेस्टर तक, हर साल 80-90% ऑफ माई टीचर्स मुझे हमेशा बहुत सताते थे, बुराई करते थे, क्लास के सामने मजाक उड़ाते थे। एक बार याद है थर्ड सेमेस्टर में मेरे थोड़े से बुरे मार्क्स आए थे एक सब्जेक्ट में, वो प्रोफेसर ने क्या किया, सब टॉपर्स को उठाकर पूछा आपको कितना मिला, अच्छा ठीक आपको कितना मिला था, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और रणवीर आपको कितना मिला। उन्हें पता था कि वो मेरा वीक सब्जेक्ट था और मैं ग्रेस मार्क से पास हुआ था, तो उन्होंने मुझे उठाकर बोला हाँ ठीक है पता था आपके तो ये बुरे मार्क्स आएंगे ही, आप तो ऐसे ही हो। तब ना थर्ड सेमेस्टर से मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा घटने लगा। इस चीज़ की बात करी हमने पॉडकास्ट पर, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स ना, कोई कोई कॉलेज प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज की एक और बुरी बात है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बुरी बात नहीं है, एडुकेशन सिस्टम की कोई भी फील्ड की बुरी बात है, कि हमें कहा जाता है कि इस फील्ड के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, इंजीनियर के बाद आपके लिए करियर है ही नहीं। वो 12वीं में भी हमसे यही कहा गया था कि 12वीं के बाद अगर आपने इन कॉलेजेस में एंट्री नहीं ली तो आपका करियर ख़त्म। ये पता है टीचर्स क्यों करता है? क्योंकि उनका करियर किस चीज़ पर निर्भर है, कि आपने अपने एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म किया है, उस चीज़ पर निर्भर है। अगर आपने बुरी तरह से परफॉर्म किया, उनका जॉब अफेक्ट हो जाता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आपके मार्क्स को लेकर उनकी पब्लिसिटी हो सकती है कि तो ये मेरा स्टूडेंट है, और इसलिए वो मोटिवेट करना चाहते हैं। पर कई कई लोगों की मोटिवेशन या नेगेटिव मोटिवेशन होती है, कोई कोई स्टूडेंट्स को हाईलाइट करके, किसी की कमियों को, किसी के वीकनेसेस को हाईलाइट करके दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। ये उस एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। खैर, मीडिया इंडस्ट्री में आकर मेरा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ने लगा, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ा। पर उन 3 सालों के लिए मैंने सुसाइड भी कंसिडर की थी, मुझे लगा कि नहीं जीना यार, ये कैसी ज़िंदगी है। मैं अच्छा स्टूडेंट था, मुझे टीचिंग अच्छी मिलती थी, ये कैसी टीचिंग है? आपको अपने रट्टे मारने की एबिलिटी पर जज किया जा रहा है, ना कि आपके आणविकी पर, ना कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर, ना कि आपके क्रिएटिविटी पर, जो रियल वर्ल्ड स्किल्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों का करियर आगे बढ़ता है। अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा टीचर है जो हमेशा आपकी बुराई करता है, आपको हाईलाइट करता है, बुरा मत मानो यार। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट। टीचर्स आपकी लाइफ बना भी सकते हैं, और कोई कोई टीचर्स आपकी लाइफ मिटा भी सकते हैं।
आपको इस चीज़ से बुरा नहीं मानना चाहिए, ये उनके ब्रेन का, उनके दिमाग का, उनके एथिक्स की एक झलक है बस। अगर कोई भी आपको लाइफ में दर्द दे रहा हो, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो ऑनलाइन ट्रोल्स हो सकते हैं, वो कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, वो कोई टीचर्स हो सकते हैं, अगर कोई भी आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, या तो दे जेलस ऑफ यू, वो जलते हैं आपसे, या तो उनके खुद के पास्ट में, उनके खुद के भूतकाल में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से उनका लाइफ में ही विश्वास छूट गया है, उनके दिल में दर्द है और उस दर्द को वो आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब कोई टीचर आपसे कहता है ना कि आप बुरे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो एक्चुअली खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि यार तूने कुछ नहीं किया, तो ये बच्चा क्या, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वो टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपको इंसल्ट करने के थ्रू, आपको गाली देने के थ्रू। पर एक बच्चा, एक कॉलेज स्टूडेंट ये सब चीज़ें कभी नहीं समझेगा। कॉलेज स्टूडेंट को लगेगा कि यार शायद मैं सच में इतना बुरा हूँ। कॉलेज स्टूडेंट्स प्रेशर लेंगे अपने ऊपर इस चीज़ की वजह से। ये एक बहुत ज़रूरी लाइफ लेसन है। आपके मार्क्स कुछ डिटर्मिन नहीं करते, आपका कॉलेज परफॉर्मेंस कुछ डिटर्मिन नहीं करता। अगर किसी ने आपकी बुरी इंसल्ट किया कॉलेज में, आपको एक कान से वो चीज़ सुननी चाहिए, दूसरे कान से निकालना चाहिए। मेरे जो प्लेसमेंट ऑफिसर हुए करते थे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो मेरी बहुत लेते थे। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी। अच्छी बॉडी देखकर उन्हें ये लगा कि हाँ ये तो पढ़ता नहीं होगा। वेल, सच था, मैं पढ़ता नहीं था बट मैं स्मार्ट था। एक बार मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई, मैंने इस चीज़ की बात करी है एक इंग्लिश पॉडकास्ट में, मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई थी जो बहुत रेयर इंटर्नशिप थी, बहुत कम लोगों को मिलती थी ऐसी इंटर्नशिप, और उन्होंने मेरी इंटर्नशिप कैंसिल करने की कोशिश करी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाकर ये बोला कि तू क्या, तू पढ़ता है, तेरा परसेंटेज क्या है, तेरा एग्रीगेट क्या है। तो मैंने कहा कम एग्रीगेट था, पर इंटर्नशिप तो मिली थी मेरे खुद के बलबूते पर। उन्होंने वो इंटर्नशिप कैंसिल करने की कोशिश करी। ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो इतना दर्द लेकर घूम रहे। मुझे एंड में वो इंटर्नशिप मिल गई, क्योंकि वो एक स्टार्टअप इंटर्नशिप थी। पर ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं इंडिया में, और ये उन टीचर्स की गलती नहीं है, ये यूरोपियंस की गलती है जिन्होंने बुरी तरह से हमारे समाज को ख़राब कर दिया। दो तीन जो पास्ट जेनरेशन्स हैं, हमारी पेरेंट्स की जेनरेशन, उनके पहले वाली जेनरेशन, ये सोशल इंजीनियरिंग के विक्टिम्स हैं। उन पर ये सोशल इंजीनियरिंग का ये कीचड़ थोड़ा सा छिड़क दिया है यूरोपियन इम्पीरियलिज्म ने। अब हमारे जेनरेशन का कर्तव्य क्या है? पहले, अगर कोई टीचर आपको इंसल्ट कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपको कम मार्क्स दे रहा है जानबूझकर, मेरे साथ भी हुआ है। मैं वैसी असाइनमेंट करता था जो बाकी के लोग करते थे, पर मुझे कम मार्क्स दिए जाते थे। एक बार मैंने पूछा ऐसे क्यों, मैम ने बोला आई डोंट लाइक योर फेस। अरे ऐसे सब चीज़ें होते हैं हमारे एडुकेशन सिस्टम में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, ये याद रखो कि आपकी असली लाइफ ना 22 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होगी, कॉलेज छोड़ने के बाद स्टार्ट होगी। अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और दूसरी बड़ी लर्निंग है सोशल इंजीनियरिंग। ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक टीचर स्टूडेंट्स को इंसल्ट करते, ये क्या है, ये स्टेटस गेम है। क्लास के सामने ये दिखाना कि यहाँ मैं यहाँ का राजा हूँ या रानी हूँ और ये स्टूडेंट कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में भी होता है। आपका वो जो एक फ्रेंड है ना जो अपनी गाड़ी के बारे में बात करता है, अपने जूतों के बारे में बात करता है, वो भी स्टेटस गेम होती है। होते हैं, स्टेटस गेम अलग अलग देशों में होती है बट इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, मेरा बड़ा घर, मैंने नया घर लिया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, ये मेरे पास है, वो मेरे पास है, ये भी सोशल इंजीनियरिंग का एक बुरा इफेक्ट होता है। हमारी जनरेशन को इन चीज़ों को अनलर्न करना है। कैसे अनलर्न करोगे? वेल्थ गेम मेंटालिटी। स्टेटस गेम का ऑपोजिट होता है वेल्थ गेम मेंटालिटी। वेल्थ गेम दो टाइप की होती है। पहले, पैसों के पीछे भागो, खुद के लिए नहीं, टीम्स के लिए, ग्रोथ के लिए, ताकि आप समाज में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, वो होती है पहली वेल्थ गेम की मेंटालिटी। और दूसरी वेल्थ गेम की मेंटालिटी होती है आन्वेक्षिकी। ठीक है, एडुकेशन सिस्टम को पार करने के लिए आप रट्टा मार लो, बट उसे पार करने के बाद आन्वेक्षिकी पर ध्यान दो। आई फील कि जो भी मैंने अपने करियर में आज तक सीखा, मैंने कॉलेज के बाद ही सीखा है, क्वेश्चंस पूछने से, पॉडकास्ट सुनने से, पॉडकास्ट करने से।
आपकी जनरेशन मेरे जनरेशन से बहुत ज़्यादा लकी है अगर आप अभी भी कॉलेज में हो, मतलब मैक्स क्या आपकी एज होगी 22, मतलब 1999 या 2000 में आपका जन्म हुआ होगा लेटेस्ट एज एन अर्लीस्ट। अभी सोशल इंजीनियरिंग को अनलर्न करो, आन्वेक्षिकी पर ध्यान दो और टफ बनो। वो कॉलेज प्रोफेसर, वो टीचर जो आपकी बुराई कर रहा है, उनकी बातें सुन लो। लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, दैट्स नॉट द लास्ट वन। कॉलेज प्रोफेसर से मेरी इतनी ली थी कॉलेज में कि मैं मजबूत हो गया, मैं टफ हो गया। उस स्थिति को इस नज़रिए से देखो, कोई आपको सता रहा है ना, आप ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हो। वॉट डजेंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। पर वेल्थ गेम्स के पीछे भागो। वेल्थ कैसे बनाते, पर्सनल फाइनेंस सीखो, पैसे कमाना सीखो, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं वो सीखो, टीम्स में कैसे काम करते हैं वो सीखो, और सोसाइटी को हेल्प कैसे कर सकते वो सीखो। इन सब का बेसिस होगा आन्वेक्षिकी, लर्निंग से प्यार करना। आपकी लाइफ में आपके गुरुज, आपके टीचर्स का भी रोल होता है, पर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गुरु है आपका खुद का दिमाग, जो आपको हमेशा कहते रहता है किताबें पढ़, पॉडकास्ट सुन, ऐसे टाइप का कंटेंट देख। उस दिमाग की बातें सुनो, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले आए थे, आप अकेले चले जाओगे। जितने भी लोगों से आप मिलोगे वो होते हैं एक्सपीरियंसेस, पर आपका दिमाग, खुद का दिमाग अलोंग विद आन्वेक्षिकी होगा आपका सबसे बड़ा टीचर। जो बेस्ट टीचर्स है उनके बेस्ट एस्पेक्ट्स अपने दिमाग में डाल दो और खुद को सेल्फ ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव करते जाओ। मैं हूँ रणवीर अलाबादिया और ये है द रणवीर शो हिंदी। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।